नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि ब्लाउज बनने के बाद में पफ कैसे लगाएं। सादा ब्लाउज प्लेट वाले जब ब्लाउज बन जाते हैं तो उसके बाद में कुछ कस्टमर बोलते हैं कि इसमें हमें पफ लगा कर दो, या किसी लेडीज ने बनाया है, ये देखिए किसी लेडीज ने ब्लाउज बनाया है और ये हमारे पास आया है पफ लगाने के लिए। तो दोस्तों आज हम इसमें पफ लगा कर दिखाएँगे, तो हमें पफ किस तरीके से लगाने हैं और कैसे लगाएंगे। ये किसी लेडीज ने लहंगा वाला ब्लाउज बनाया है, इसमें पफ नहीं लगाए, प्लेट डालकर इस ब्लाउज को तैयार किया है, मगर अब कस्टमर बोल रहा है इसमें पफ लगाओ, तो हम इसमें पफ लगा कर दिखाएँगे आपको। ये ब्लाउज हमारे पास लेकर आए हैं और बोल रहे हैं इसमें पफ लगाओ, तो ये देखिए प्लेट पड़ी हुई है इसमें, इन प्लेटों के बीच में हमें पफ फंसाना है। तो पहले हम पफ को तैयार करेंगे, तो पफ को किस तरीके से तैयार करते हैं वो आपको दिखाएंगे। ये प्लेट वाला ब्लाउज है, आपने देख लिया है, अब इसको हम तैयार करेंगे। तो आप लोगों ने पफ देखे होंगे, सादा आते हैं पफ इस तरीके से। अब इस पफ को हम कपड़े में मढ़ेंगे, ये देखिए इस तरीके से कपड़े में मढ़ देंगे। अब इसे हमने कपड़े में कैसे मढ़ा है वो आपको दिखाएंगे हम, और फिर इसके बाद में हम इसे लगाएंगे। ये देखिए कपड़ा से मढ़ने के बाद में हमने इस पर ओवरलॉक मार दिए, चारों तरफ से ओवरलॉक हो रखी है, ये देखिए, जिससे कि ये निकले नहीं। जब बनाते हैं तो इसे अंदर सेट करते हैं, अब ऊपर से लगाए जाएंगे तो इन्हें हमें कपड़े में मढ़ना पड़ेगा इस तरीके से। ये देखिए ये कपड़ा लिया है हमने, और इस कपड़े से किनारे पर सिलाई लगाएंगे हम। ये देखिए चारों तरफ से हम इसे कपड़ा से मढ़ देंगे। मढ़ने के बाद में हम इस जो मार्जिन है इसे हम छांट देंगे, आराम से किनारे से बिल्कुल छांट देंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हम जो वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। अब दोस्तों उल्टा करने के बाद में अब हम इसे इस तरीके से कपड़ा मढ़ेंगे उसी प्रकार से, ये देखिए। ये कपड़ा हमने इधर से भी मढ़ दिया और इसे छांट देंगे। अब इसमें लगाएंगे हम ओवरलॉक, जे इंटरलॉक भी बोलते हैं, ये देखिए। अब इस पर हमने ओवरलॉक करना चालू कर दिया, बड़े ही आराम से ओवरलॉक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओवरलॉक से हमारा जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाता है, इससे कि खुलने का कोई चांस नहीं है। अब ये हमने तैयार कर लिया है पक्का। अब इसको हम जो प्लेटों के ब्लाउज में नीचे रखकर बीचों-बीच सेंटर पर हम टांके मार देंगे। ये देखिए हमने टांका लगा दिया है, इस तरीके से आप टांके मार लें जिससे कि ये बीचों-बीच सेंटर में लगा रहे। अब लेके जाएंगे हम नीचे जो प्लेट पड़ी होती है उस प्लेट पर निशान लगा देंगे, और निशान लगाने बाद में इसे हम वहीं पर टांग देंगे। एक कमर पर नीचे वाली प्लेट होती है उस प्लेट पर हम ये टांग मार रहे हैं।
अच्छी तरीके से टांके मारकर जिससे कि ये खुल ना पाए। अब साइड वाली प्लेट जो होती है बगल वाली, उस प्लेट पर हम सेंटर में लाकर इसे वहाँ पर टांग देंगे। उस टांगने के बाद में हमारा ब्लाउज में पप लगकर रेडी हो गए हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।